अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने किसी भी जॉब पे अप्लाई करना हो तो आप कैसे जाकर FPSC की वेबसाइट अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले आप लोग FPSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे, जो आप लिखोगे fpsc.gov.pk, ठीक है। तो हमारे पास FPSC की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। अब आप लोगों ने कहाँ पर जाना है, जब वहाँ पे अप्लाई करना है, तो अगर आपने CS के एग्ज़ाम पे अप्लाई करना है तो आप लोग CS एग्ज़ाम के पोर्शन में जाओगे, जो बिल्कुल GRE एग्ज़ाम के साथ है। लेकिन अगर आप लोगों ने FPSC की कोई दूसरी लेक्चरशिप या किसी दूसरी पोस्ट पर अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर जाओगे GRE एग्ज़ाम में। GRE एग्ज़ाम में जाने के बाद आप लोगों ने इंट्रोडक्शन के सेकंड पॉइंट एडवर्टाइजमेंट को क्लिक करना है, ठीक है। जब आप एडवर्टाइजमेंट को क्लिक करोगे तो हमारे पास यहाँ पर करंट एडवर्टाइजमेंट आएगी, पास एडवर्टाइजमेंट आएगी। तो आप लोगों ने किसको क्लिक करना है, करंट एडवर्टाइजमेंट को। करंट एडवर्टाइजमेंट को क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे एडवर्टाइजमेंट की, जो हमारे पास आया होगा इंटरफेस। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास तीन तरह की चीज़ आएगी, टू व्यू एडवर्टाइजमेंट। अगर आप एडवर्टाइजमेंट को पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसको डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हो। तो उसके बाद आएगा जो डाउनलोड फी चालान फॉर्म। अगर आप लोगों ने फी चालान फॉर्म भरना है और उसको फ़ी करना है तो आप लोग, क्योंकि सबसे पहले इसकी भी जब भी आप लोगों ने अप्लाई करना होगा FPSC वेबसाइट पर, तो आप लोगों ने क्या करना है, फी चालान फॉर्म को फिल करना है। और उसके बाद ही आप लोगों का जो इंटरफेस है उसको जो आपका एजुकेशन इन पार्ट है उसके बाद ही ओपन होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगी ऑप्शन टू अप्लाई ऑनलाइन की। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा कि अगर आप लोगों ने, सबसे पहले हमारे पास होगा सेलेक्ट जॉब। आप लोगों ने जोन सी भी ऑप्शन का अप्लाई करना है आप लोग यहाँ पर जाकर देख सकते हो। आप लोग यहाँ पर जाकर हम जो सी ऑप्शन पोस्ट का अप्लाई करना है आप लोग यहाँ पर पोस्ट के अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर अपना CNC नंबर डालोगे, फिर यहाँ पर जिस दिन आपने बैंक में फीस का डिपॉजिट किया होगा उसका डेट डालोगे, जिसने फीस आपने जिस भी पोस्ट के अप्लाई की होगी वो इसको आप यहाँ पर पुट करोगे। जिस बैंक में आप लोगों ने अप्लाई किया होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर तीन बैंक की ऑप्शन आती है, एक नेशनल बैंक की, एक स्टेट बैंक और एक यहाँ पर गवर्नमेंट ट्रेजरी की। आप लोगों ने जिस भी बैंक में यहाँ पर अप्लाई किया होगा डिपॉजिट फीस, तो आप यहाँ पर उस बैंक का नाम लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद बैंक का ब्रांच कोड, ये बैंक का ब्रांच कोड आप बैंक जिस बैंक में जाओगे ना उस बैंक में जाकर आप लोगों से पूछ सकते हो कि ना ब्रांच कोड क्या है, तो वो यहाँ पर आप लोग लिख लोगे, ठीक है। उसका बैंक जो बैंक लोकेशन डिस्ट्रिक्ट है, जिस भी जगह पर आप लोगों ने फीस डिपॉजिट की है, जिस डिस्ट्रिक्ट में, लाहौर पंजाब, लाहौर कराची, जिसमें भी आप लोगों ने, इस्लामाबाद या जहाँ पर भी यहाँ पर उन्होंने नाम दिए हुए, आप लोग यहाँ सेलेक्ट करके इसको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने हमें दिया हुआ है एप्लीकेशन फ़ी फॉर पोस्ट, ये हमारे पास उन्होंने जितने भी पोस्ट है उसकी फ़ीस, यानी जो चालान फॉर्म जमा होगा वो इतनी फ़ीस पर सबमिट होगा। इसलिए हमारे पास BPS 14, 16, 17 कितनी फ़ीस है, 300, BS 18 की कितनी है हमारे पास, 750, और BS 19 की कितनी है, 1200, BS 20 की कितनी है उसकी बफ़ी, 1500। तो अब यहाँ पर जो है वो डाउनलोड करके चालान फॉर्म को इसकी फ़ी डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक है। जब आप लोगों ने फ़ी चालान फॉर्म डिपॉजिट कर लोगे, उसके बाद आप लोग यहाँ पर डोमिसाइल को, जो भी आपका डोमिसाइल होगा वहाँ यहाँ पर आप लोग लिखोगे, ठीक है। जेंडर अप्लाई करोगे, रीजन अप्लाई करोगे, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट अप्लाई करोगे, टेस्ट सेंटर यानी जहाँ पर आप लोग टेस्ट देना चाहते हो, लोअर पाकिस्तान, इस्लामाबाद, जहाँ पर भी, वो यहाँ से आप लोग सेलेक्ट करके इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यानी जो आप जहाँ पर भी आप लोगों ने मास्टर्स आप लोगों ने किया, वो यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट यस। उसके बाद आप यहाँ पर जो है वो इंश्योरेंस डेट ऑफ ट्रांसक्रिप्ट, यानी जिस दिन आप लोगों को आपका लास्ट, यानी आपने मास्टर्स किया उसका जो आप रिजल्ट का जब मिला था ना, उसकी डेट आप यहाँ पर मेंशन करोगे। उसके बाद यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड है, जो आप लोग यहाँ पर पुट करके प्रोसीड टू स्टेप टू पे करोगे। अब स्टेप टू पे आप लोगों ने क्या करना है, एजुकेशनल जो हमारे पास हो गया एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन उसको आप लोग लिखोगे। उसके बाद आपका जो प्लान जो है हमारे पास फॉर्म फिल हो जाएगा और सबमिट हो जाएगा फ्रॉम FPSC वेबसाइट पर। अगर आप लोगों को इसके हवाले से कोई पूछना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।